أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد سورة مباركة عنكبوت کی پہلی آیت بلکہ پہلی دو آیتیں اس اعتبار سے کہ الف لام میم خود ایک مستقل آیت ہے, یہ آیت کا جز نہیں, اور اس ترتیب سے دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت, الف لام میم دوسری آیت, اور احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وہم لا یفتنون یہ تیسری آیت. کل یہ تذکرہ آ گیا تھا جو بار بار آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی مقرر نہیں ہے, اس لیے کہ تجلی میں تکرار نہیں. تکرار وہاں ہوتی ہے جہاں خزانہ علم کم ہو, تکرار وہاں ہوتی ہے جہاں قدرت محدود ہو, جہاں نامتناہی علم ہے اور نامتناہی قدرت ہے وہاں تکرار کی گنجائش نہیں, جائش ممکن نہیں ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی سے مقرر کوئی بات, کوئی تجلی مقرر ہو. ہر تجلی اپنی جگہ علیحدہ, جیسے آپ کی دل کی دھڑکن ہے, جو ایک بار دل کی دھڑکن ہوئی دوبارہ کیا وہی مقرر ہوتی, جو ہو گئی ہو گئی, نبض اسی کی تابع, شب و روز کا سلسلہ, جو دن گزر گیا وہ گزر گیا, وہی دن پلٹ کے واپس نہیں آ سکتا. یہ جو کہتے ہیں کہ وقت کبھی پلٹتا نہیں ہے, حقیقت ہے. یہ تمام چیزیں عالم تکوین میں مسلسل تجلی الہی سے مربوط ہے, ایک فیضان الہی ہے جو جاری ہو ساری, ممکن نہیں ہے کہ اس میں تکرار. یہیں سے ایک اخلاقی درس ہے جو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ
ज़िंदगी जीने का सलीका ये होना चाहिए कि हमारे और आपकी ज़िंदगी के कोई दो दिन यकसा ना गुज़र जाए। बल्कि फरमाया है, दो ताबीरें हैं, मन इस्तवा यौमा फहुवा मगबून या मन सावाहु यौमाने फहुवा मगबून। जिसके दो दिन यकसा गुजर जाएं वो घाटे में। मैंने कहीं अर्ज़ किया था मजलिस में, ये भी मजलिस दर्स है और वो भी मजलिस दर्स क़ुरान, आप हज़रात तबर्रुक में क्या ले जाते हैं? तबर्रुक में क्या ले जाते हैं? ये जुमले तबर्रुक में ले जाया करें, ये आयतें, ये जुमले। लोग मजलिस में तकसीम करते हैं, खाने पीने की चीज़ें तकसीम करते हैं, शीरीनी तकसीम करते हैं। अब लखनऊ में आजकल एक नया सिलसिला चला है कि वो मोबाइल फ़ोन तबर्रुक में तकसीम करते हैं, चाय का सेट तबर्रुक में तकसीम करते हैं, हैं कोई चीज़। मैंने अर्ज़ किया कि तबर्रुक और मजलिस का तबर्रुक, मासूम के जुमले तबर्रुक होने चाहिए, मासूम के जुमले। ये तबर्रुक है कि एक जुमला ले जाइए जो ज़िंदगी भर उस एक मजलिस का तबर्रुक मुसलसल आपकी ज़िंदगी में तजल्ली बार रहे। वो शख्स घाटे में जिसके दो दिन बराबर के गुजर जाएं। यानी क्या शख्स से मुराद है ना, शख्स कौन है? शख्स ये जिस्म का, मादी जिस्म का ढांचा तो नहीं है। एक इंसान की ज़िंदगी इल्मी ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी, इरफानी ज़िंदगी, अखलाकी ज़िंदगी, मादी ज़िंदगी, किसी भी एतबार से हमारा कल आज के बराबर नहीं, आज से आगे होना चाहिए। तवज्जो, मादी ज़िंदगी, अखलाकी ज़िंदगी, आज जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, आने वाला कल हमारा कदम इससे आगे होना चाहिए। अखलाकी एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी, आज जो हमारी अखलाकी हालत है, कल हमारी अखलाकी हालत इससे बेहतर होनी चाहिए। आज जहाँ पर हमारा इल्मी दर्जा है, मर्तबा है, आने वाला कल हमारा इल्म इससे आगे होना चाहिए। और माल में भी यही सूरत है, अलबत्ता मवाजीन शरईया और मवाजीन अखलाकिया के साथ। हर चीज़ में बरकत ज़रूरी है, उधर तजल्ली में तकरार नहीं है, इधर तलब में कोताही नहीं होनी चाहिए। दामन तलब कोताह नहीं होना चाहिए, बेहौसलगी पैदा नहीं होनी चाहिए। जब उसका दस्त अता खुला हुआ है, बाज है, कहने वालों ने कहा कि अल्लाह सुबहानहु व तआला के दोनों हाथ बंधे हुए हैं, जवाब दिया गया कि नहीं, हरगिज़ नहीं, यदाहु मबसूततान, उसके हाथ खुले हुए हैं। हाथ खुले हुए हैं कि क्या मानिए? हाथ खुले हुए के मानिए कि उसकी अता जारी हो सारी है, उसका फैज़ान जारी हो सारी है, उसकी कुदरत जारी हो सारी। दस्त अता, अता करने के लिए खुला हुआ है तो दामान तलब क्यों से मट जाए? बहरा, अब यहाँ सूरह मुबारक है अनकबूत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मुतअल्लिक़ क्या है और इसका तर्जमा किस तरह से होगा, इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। हर एक उसूल जहन में रहे और ये गौर फरमाएं, हालांकि ज़ाहिर है यहाँ तमाम गुफ्तगुएँ जो हैं वो इस तरह से की जाती हैं कि ख़ास इल्मी और इस्तिलाही बोझ आपके जहनों पर ना पड़े। अगरचे बज़्म में दानिशगाहों के असातिज़ा भी तशरीफ़ फरमा होते हैं और वो अफराद भी तशरीफ़ फरमा होते हैं कि जो
دانش گاہوں سے ان کا اس طرح سے رشتہ نہیں ہے, لیکن اتنا تصور تو آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ جملے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک مکمل جملہ ہوتا ہے ایک ناقص. ایک جملہ مکمل ہوتا ہے ایک ناقص. عربی میں بھی یہی ہے, فارسی میں, انگریزی میں, اردو میں, کسی بھی زبان میں جملے دو قسم کے ہوتے ہیں, مکمل اور ناقص. یہ عربی میں جو مکمل جملے ہوتے ہیں ان میں دو قسمیں ہیں بنیادی. ایک جملہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے, ایک جملہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جنہیں شبہ جملہ کہتے ہیں, یعنی وہ جملہ نہیں ہے پورا مگر ایسا لگتا ہے کہ پورا جملہ ہے, شبہ جملہ ہے. قرآن مجید شروع ہوتا ہے ایک شبہ جملہ سے, مکمل جملے سے شروع نہیں ہو رہا ہے. توجہ رکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل جملہ نہیں ہے, الحمد للہ رب العالمین مکمل جملہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم مکمل جملہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مکمل جملہ نہیں ہے, شبہ جملہ ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورا جملہ ہے مگر پورا جملہ نہیں ہے. اس کو کھول کر, میں چونکہ تفسیری بحث ہے تو اس طرح کھول کر عرض کروں کہ شبہ جملہ کے معنی ہے کہ اس میں جار و مجرور ہے, مثلا ایک حرف جر ہے ایک مجرور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرف جر, اسم مجرور اور مضاف اللہ کی طرف, اور پھر اس کے بعد الرحیم اور الرحمن دونوں صفتیں. یہاں پر یہ بحث اپنی جگہ ہے کہ الرحیم صفت اللہ کی ہے یا اسم اللہ کی ہے. اسی طرح الرحمن صفت اللہ کی ہے یا اسم اللہ کی, یعنی بے حرف جر کے بعد اسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے اور اس کا جواب یہ ہے بہت واضح, کم سے کم سورہ حمد کی روشنی میں, کہ جو بسم اللہ میں الرحمن اور الرحیم ہے یہ صفتیں دونوں ہیں اسم اللہ کی نہ کہ اللہ کی. دلیل یہ ہے, اس وقت ایک میں اتنی دقیق بحث آج نہ چھیڑتا مگر ماشاءاللہ دو دانشمند یونیورسٹی کے استاد جو عربی میں بھی وارد ہیں وہ تشریف فرمائیں, اس لیے یہ زبان پہ نکتہ آ گیا. سورہ مبارکہ حمد 7 آیتیں ہیں کل, اور وہ بھی پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. توجہ ہے, قرآن مجید میں کتنے جملے ہیں, کتنی آیتیں ہیں, یہ کتنے جملے ہیں, یہ سوال کرنا بھی بہت ہی مشکل سوال ہے. چونکہ عربی میں تو کبھی کبھی ایک فعل و فاعل مل کے جملہ ہو جاتا ہے, تو یہ طے کرنا کہ قرآن مجید میں کتنے جملے ہیں بہت مشکل و بہت دشوار سوال ہے. بقول معروف قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. آیتوں کی تعداد میں بھی بصریین میں, کوفیین میں, اہل حجاز میں اختلاف ہے, وہ اپنی جگہ وہ علمی اختلاف ہے. بہرحال اتنی ضخیم کتاب جس میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اس کتاب کی کوئی تلخیص کرنے کے لیے آپ سے کہے کہ اس کا صرف 7 جملوں میں خلاصہ تیار کرو, سمری تیار کرو, 6000 جملوں کی یا 6500 جملوں کی, 6500 جملوں کی سمری 7 جملوں میں تیار کرو, تو اس میں ممکن ہی نہیں ہوگا کہ کوئی ایک لفظ مقرر آ جائے. کوئی ایک لفظ دوبارہ لکھنا پڑے
मुमकिन नहीं होगा। 6000 जुमले हैं। इसका खुलासा है सूरह हम्द। अब अगर सूरह हम्द खुलासा है तो इसमें पूरा ये फिक्रा अर रहमान अर रहीम मुकर्रर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में अर रहमान और अर रहीम आया, फिर अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर रहमान अर रहीम, ये मुकर्रर क्यों आया? ये मुकर्रर नहीं आए। बिस्मिल्लाह में अर रहमान अर रहीम इस्मुल्लाह की सिफतें हैं, अल्हम्द के बाद अर रहमान अर रहीम अल्लाह की सिफतें हैं। तवज्जो है, वरना मुमकिन नहीं है कि मुकर्रर अर्ज किया जाए, मुकर्रर की गुंजाइश नहीं है। तवज्जो है, अर रहमान अर रहीम, ये तो दरमियान में आ गई बात तो मैंने अर्ज किया, इसे जहन में रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इसे जहन में रखिएगा कि ये मुकर्रर नहीं है, ना अर रहमान और रहीम मुकर्रर है सूरह मुबारक हम्द में, और ना बिस्मिल्लाह मुकर्रर है कुरान मजीद में, हरगिज़ नहीं। और ख़ुद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये शिबह जुमला है, अर्ज़ किया, इसको गालिबन इसी की वजाहत में आज का वक्त सर्फ हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए है कि बहरहाल सूरह मुबारक है अनकबूत की भी पहली आयत बिस्मिल्लाह है, कुरान मजीद की भी पहली आयत बिस्मिल्लाह। अल्फाज बज़ाहिर मुश्तरक हैं, शिबह जुमला किसे कहते हैं? शिबह जुमला यह है कि अधूरा जुमला ऐसा हो जिसमें कोई एक इस्म या एक फ़ेल मुनासिब हाल शामिल हो जाए तो वो जुमला मुकम्मल हो जाए। जैसे कोई कहे कि मैं आपके ज़रिए से, और ये कह के खामोश हो जाए, मैं आपके ज़रिए से, अब आप मुंतज़िर रहेंगे ना कि मौलाना कुछ कहना चाहते हैं, आपके ज़रिए से कह के चुप हो गए खामोश हो गए, तो अब जब तक मैं मुकम्मल ना करूँ, अगर आपको मुझसे कोई ताल्लुक़ है तो आप खड़े रहेंगे इंतज़ार के हालत। तवज्जो, मैं किसी अपने अजीज़ से, किसी दोस्त से, किसी शफीक से, किसी मेहरबान से, किसी मोहब्बत करने वाले से ये कह दूं कि भाई मैं आपके ज़रिए से, वो कह के खामोश हो जाऊं, अब वो खड़ा रहेगा जब तक मैं बता न दूं कि आपके ज़रिए से मैं क्या अम्र अंजाम दिलवाना चाहता हूं। तवज्जो है, और ये अगर मुख्तलिफ मौाक़े पर हो, अब मसलन मैं यहाँ इस वक्त मेंबर पर हूँ और ये माइक काम करते करते काम करना छोड़ दे, और मैं किसी से कहूँ कि भाई मैं आपके ज़रिए से ये चाहता हूँ कि ये माइक दुरुस्त हो जाए, तो ये जुमला माइक के साथ मुकम्मल हो गया। अब मैं किसी ऐसी जगह हूँ, जैसे मैं अपने यहाँ भी ये मिसाल सादिक आती है, किसी रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ और टिकट लेने का मरहला है, और मैं अपने किसी खुद से कहता हूँ, उसी खुद से, आपके ज़रिए से मियाँ मैं चाहता हूँ इस वक्त आप टिकट ला दें मुझे, तो अब आपके ज़रिए से ये तो जुमला वैसा ही का वैसा है, वहाँ मुतअल्लिक़ बदल गया। दस्तरखान पे बैठा हुआ हूँ, प्यास लगी हुई है, सब कुछ है, पानी नहीं है, अरे भाई मैं आपके ज़रिए से चाहता हूँ कि पानी पी लूँ। इसी तरीके से ज़िंदगी के हज़ारों मौाक़े और मज़ाहिर हो सकते हैं जहाँ आपके ज़रिए से ये फ़िक्रा जूं का तूं रहेगा, मुतअल्लिक़ बदलता चला जाएगा, कहीं एक इस्म या एक फ़ेल आने के बाद मज़मून को, जुमले को मुकम्मल कर देगा। तवज्जो है, और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जितनी बार मैंने कहा आपके ज़रिए से वो एक ही बात कही, नहीं, एक ही बात नहीं कही, हर मौके पे बात तब्दील होती गई। यहाँ है नाम खुदा के ज़रिए से, नाम खुदा के सहारे से, जो रहमान और रहीम है, आगे क्या है, इस ज़रिए से क्या। अब जिस वक्त
अमली ज़िंदगी में आप आ जाएं। अमलन जो हमें तहजीब सिखाई गई, ताकीद की गई कि अपनी ज़िंदगी में कोई काम ऐसा ना करो जिसमें बिस्मिल्लाह ना हो। हदीस है पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लु अम्रिन ज़िबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फहुव अबतर, या कुल्लु अम्रिन ज़िबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फहुव अक्ता। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से कोई भी काम अगर शुरू होगा तो वो नातमाम रहेगा। यह हदीस पैगंबर है शिद्दत के साथ, मुख्तलिफ ताबीरात हैं और दूसरे मकामात पर भी कहा गया कि कोई भी काम करो तो बिस्मिल्लाह पहले कहो। ज़िंदगी का हर अमल इस्तिथना नहीं है, तवज्जो रखिए, इस्तिथना नहीं है। ज़िंदगी का हर अमल बिस्मिल्लाह पहले कहो, इसमें खुदा से आवाज़ करो। तो जिस वक्त आप दस्तरखान पे बैठे हो, निवाला ले रहे हो, कह रहे हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो मुराद क्या है आपकी? कि मैं खाना शुरू कर रहा हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है। जुमला बदल गया। जब आपने गिलास में हाथ में लिया पानी पीने के लिए, आपने कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसके मानी क्या है? कि आप कह रहे हैं मैं पानी पी रहा हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है। आप ख्वाब इस्तराहत के लिए बिस्तर पे गए और आपने एक मरतबा तकिए पे सर रखते हुए कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यानी मैं सो रहा हूँ अल्लाह के नाम के साथ। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में है कि आप जब सोते थे तो ये फरमाते थे कि बिस्मिल्लाह अनामु व बिस्मिल्लाह अस्तैक़ुद व बिस्मिल्लाह अहया व बिस्मिल्लाह अमूत, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मुख्तलिफ़ इबारतों में ये दुआएँ वारिद हैं। अच्छा, जो भी काम कर रहे हैं आप वहाँ बिस्मिल्लाह का के से जो एक इस्म या फ़िल जुड़ा हुआ है वह तब्दील होता चला जा रहा है। ये आपके लिए इतनी मिसाल काफ़ी है अमली ज़िंदगी से। अब आप तत्बीक कर लीजिए सूरों पर। हर सूरे की थीम मैंने कहा जुदा होती है। कुल कुरान का मौजू तौहीद है, हर सूरे का मौजू भी तौहीद है, लेकिन हर सूरे का अपना एक जुदा मौजू भी है। इसलिए हर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से का जो मुतअल्लिक़ है वो आपको उस सूरे में तलाश करना पड़ेगा। कि यहाँ पर ये शिबह जुमला, ये नातमाम जुमला जो ऊपर लिखा हुआ है, ये तमाम होगा उस सूरे के अंदर। ये एक रहनुमा उसूल है। अब तत्बीक इसकी खुल कर तज्जिये के साथ बाद में इंशाल्लाह अर्ज़ करता रहूँगा, लेकिन इस वक्त इसी को ज़रा सा आगे बढ़ाते हुए अर्ज़ करूँ एक रुख और कि आखिर फिर भी गौर तलब है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शिबह जुमला है, इसी शिबह जुमला से कुरान शुरू क्यों हुआ? कुरान हकीम, कुरान करीम ये मुअज्जज़ाए फसाहत व बलागत, एक ऐसे जुमले से शुरू क्यों नहीं हुआ जो जुमला तामा हो, जो कलाम मुकम्मल हो, चाहे वो जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फ़ेलिया हो, एक मुकम्मल हो जुमला। तवज्जो है, कलाम हक है। बाज़ बातें मंतूक़ के ज़रिए से कही जाती हैं, बाज़ बातें मंतूक़ के ज़रिए से कही जाती हैं, यानी जुमले में जो कहा जाता है वही बात कही जा रही है। बाज़ बातें मफहूम के ज़रिए से कही जाती हैं, बाज़ बातें उसलूब के ज़रिए से कही जाती हैं। इसी तरह जहाँ ने मानी में वसअत होती है ना, एक जुमले में कितने पहलू होते हैं और कितने पैगामात पोशीदा होते हैं। ज़िंदगी का कारवां रवां दवा है मुसलसल, वही इलाही का सिलसिला मुनक़ति हो चुका, नबूवत ख़त्म हो चुकी, आयतें जो कुछ आनी थी वो आ चुकी ये दो दफ्तियों के दरमियान, और कहा गया यही कुरान तुम्हारे लिए रहनुमा है क़याम क़यामत तक। इसके मानी है कि इन आयतों में भी वो ज़िंदगी होगी, वो तजल्ली होगी, वो ताबकारी होगी, वो रेडिएशंस होंगे,
कि जिंदगी के गुना गुण शोबों में हमेशा रोशनी आप इससे हासिल करते रहेंगे। ये कैसे मुमकिन है? ये तभी मुमकिन है जब आप ये समझ सकें कि किस किस अंदाज से, एक लफ्ज़ से, एक जुमले से, एक आयत से रोशनी हासिल कर सकते हैं। मंतूक क्या है, मफहूम क्या है, मफाहीम की दुनिया कितनी जबरदस्त है। आवाज काम कर रही है? मफाहीम की दुनिया, यहां तक कि उसलूब, स्टाइल, किस स्टाइल से कलाम कहा गया, उसमें क्या पैगाम है। यानी कभी जुमला एक ही होता है, लहजा बदल जाए, उसलूब बदल जाए, पैगाम बदल जाता है। तो ये पहली ही आयत कुरान मजीद की एक जुमले तामा ना होकर और एक लफ्ज़ इस्म से शुरू ना होकर, फ़ेल से शुरू ना होकर, हर्फ से क्यों शुरू हो रही है? ये किताब एक बा हर्फ जर से शुरू हो रही है, और वो भी तमाम हरूफ में से बा ही से क्यों शुरू हो रही है? अकीदत मंदाना बहस नहीं है, बहस है इल्मी। परवरदिगार आलम का कलाम, परवरदिगार आलम का फ़ेल इस तरह नहीं होता जिस तरह हमारा फ़ेल या हमारा कलाम होता है कि हम आए और कहीं से भी शुरू कर दी गुफ्तगू, पहला लफ्ज़ क्या होगा, पहला हर्फ क्या होगा, हमने गौर नहीं किया इस पर, किताब उठाई, लिखना शुरू की, जो जुमला कलम से टपक पड़ा बस किताब शुरू हो गई। नहीं, कलम मशीयत है, कलाम इलाही है। पहला ही कलाम बा से शुरू हो रहा है और जुमला शिबह जुमला में तमाम हो जाता है। यहाँ पर वो बहस जो उसूलियों ने की है, ज़रा आज की बहस ज़्यादा दकीक हो गई, इसकी जिम्मेदारी इन दो अज़ीज़ों पर है। उसूलियीन ने, उलमाए इल्म उसूल ने एक बहस की है जो उलमाए अदब उस तक अभी तक नहीं पहुंच सके हैं, उतनी दिक्कत नज़र के साथ, उतनी बारीक बीनी के साथ। ये बहस नहवीन ने भी नहीं की, सरफीन ने भी नहीं की, अहले लुगत ने नहीं की, अहले ज़बान ने नहीं की, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जिन लोगों का काम है उन्होंने ये काम नहीं किया, अदबी नक्कादों ने, जो काम उसूलियीन ने किया है। मैं दो नुक्तों की तरफ इशारा कर रहा हूँ इस वक्त। पहली चीज़ ये कि जो बहस की है, मानी हर्फी और मानी इस्मी में क्या फ़र्क होता है। एक इस्म के मानी ज़ाहिर होते हैं, नाम नाउन्स के मानी वाज़े होते हैं। दो ही अल्फाज की तकसीम तो तीन किस्मों में की जाती है आमतौर पर, अहले लुगत, अहले ज़बान, ग्रामरियंस, ग्रामर वाले, नहवीन, सरफीन, लिंग्विस्टिक्स में लसानियात वाले। ये सब ज़बान की तकसीम इब्तदाई तौर पर तीन किस्म में करते हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। लेकिन ये लफ्ज़ की तकसीम है, मानी की तकसीम नहीं है। ये किसकी तकसीम है? लफ्ज़ की, ना के मानी की तकसीम। मानी की तकसीम बस दो होती है, या मानी इस्मी है या मानी हर्फी। फ़ेल जो है वो मानी इस्मी और मानी हर्फी का मुरक्कब होता है, या मानी इस्मी है या मानी हर्फी। ये मानी हर्फी की हकीकत क्या है और खुद हर्फ की हकीकत क्या है? वो रब्त है या राबित, खुद रब्त है या राबित है, यानी जोड़ने वाला वसीला है या खुद वो ताल्लुक है, वो रब्त है। तवज्जो है, ये सब बहसें हर्फ से जुड़ी हुई हैं। अगर ये तमाम बहसें इल्मी सतह पर, हकीमाना सतह पर, फलसफियाना सतह पर हल हो चुकी हों तो अंदाज़ा होगा कि कुरान मजीद पहले ही फ़िक्रे में ये बता रहा है कि ए इंसान, तू मुस्तकिल बिज़ात नहीं है, तेरा वजूद हो या तेरा सफ़र हयात या तेरा अंजाम तभी बखैर होगा जब मरबूत रहेगा हक सुभान व तआला।
मुस्तकिल नहीं रह सकते। रब्त बरकरार रखना जरूरी है, वो भी किससे? हजरत हक सुभानहु व तआला। इसलिए हर्फ से बात शुरू हुई, ना इस्म से ना फ़िल से। उसलूब में ये पैगाम पोशीदा है, बाए हर्फ से शुरू हो रही है बात, हर्फ बा से शुरू हो रही है बात। एक हर्फ वो बात अलग है कि इसके बाद जो बहसें हैं खुद बा से मुतालिक बहसें हैं। दकीक तो है लेकिन इशारा कर रहा हूँ, ज़ाहिर सारी तफसील नहीं अर्ज़ कर सका आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के सहारे से। ये क्यों नहीं कहा गया अल्लाह के सहारे से? वो पूरा मकतब फिक्र जो हर तरह के वसीले का मुनकर है, उससे मेरा सवाल ये है कि पहले ही कुरान मजीद में अल्लाह के नाम के सहारे से क्यों कहा गया, अल्लाह के सहारे से क्यों नहीं कहा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों? सबब क्या है? क्या मुश्किल है? मुश्किल यह है ज़ात हक सुबहानहु व तआला का फैजान ही सब कुछ है, मगर बहैसियत मखलूक हमें वो अहलियत व इस्तेदाद नहीं है कि हम बराह रास्त ज़ात की तजल्ली से इस्तेफादा कर सकें। इसलिए दरमियान में इस्म का हिजाब जरूरी है। मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं है। ये पैगाम कुरान है, मुमकिन नहीं है कि ज़ात मुनकशिफ हो जाए, मुमकिन नहीं है कि ज़ात से इर्तिबात पैदा हो जाए। वो मकाम गैबुल गैब है, मुमकिन नहीं है। उसी का फैजान है, इस्म उसी का मजहर है, इस्म मजहर है, उसी का मजहर है। यानी पहले ही कहा गया इस्म मवहर ज़ात है, तो कहा गया सहारे से उस ज़ात गिरामी के मजहर के जो रहमान और रहीम है। खुद ज़ात भी रहमान और रहीम है, मजहर ज़ात भी रहमान और रहीम है। इस्म मजहर हक, इस्म मजहर अल्लाह है, इस्म मजहर अल्लाह है। आपका नाम देखिए, अब मैं बिल्कुल अमली मिसाल दे दूं बच्चों के आगे, बात बहुत दकीक है लेकिन बच्चों की समझ में आ जाए। कोई साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे उनके ताल्लुकात हैं, मेरे किसी अजीज़ के बच्चे को ये मालूम है कि इनके उनके ताल्लुकात हैं, उसे फ़र्ज कीजिए मुलाजमत चाहिए, नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, रिस्क रोज़ी का मसला है, वो फ़लाँ साहब फ़लाँ बैंक में डायरेक्टर हैं, फ़लाँ साहब फ़लाँ कंपनी में डायरेक्टर हैं, और उस बच्चे को ये मालूम है कि फ़लाँ साहब से इनके रवाबित बहुत अच्छे हैं। अब वो वहाँ जाए और मेरा नाम लेकर सिर्फ ये कहे कि मुझे फलां साहब ने भेजा है आपकी खिदमत में। अब अगर वाकई मेरे और उनके दरमियान मोहब्बत और दोस्ती है तो ये मुमकिन नहीं है कि वो ये कहें कि वो खुद क्यों नहीं आए, या उन्होंने खुद फ़ोन क्यों नहीं किया, उन्होंने खुद क्यों नहीं कहा इसने मेरा नाम लिया और वहाँ चूँकि वो मुझसे मोहब्बत करते थे इसलिए उनका बेटा आप उनका नाम लेके आए, बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह आपकी जॉब पक्की। होता है नहीं होता है? अब ये मवाक़े और मराहिल की बातें हैं। कहीं सिर्फ उसने मेरा नाम ले लिया, ये नाम क्या था? मेरी ज़ात का मज़हर, मेरी ज़ात की अलामत, मेरी ज़ात का रेफरेंस, मेरी ज़ात का एक मज़हर। मेरा नाम उसने ज़बान से ले लिया, उसका काम हो गया। कहीं मरहला ज़्यादा संगीन था,
उन्होंने कहा बेटा जॉब तो आपकी पक्की है माशाल्लाह, लेकिन देखिए यहाँ पर एक दिक्कत है और इसके लिए चूँकि आउट ऑफ वे जाके हमें आपको रखना पड़ेगा जॉब पर, इसलिए बेहतर होगा कि आप उनसे एक तहरीर लेके आ जाइए। अब भी ये नहीं कहा कि उन्हें लेके आ जाइए, अगर वो लेटर लिख दें तो उस लेटर की बुनियाद पर हम कहेंगे कि इस लेटर की वजह से खसूसी तौर पर इस बच्चे को ये जॉब दी जा रही है। अब वहाँ सिर्फ पहले मरहले में काम हो गया नाम जबान से लेकर, दोबारा जब उस काम के इस्तेहकाम की मंजिल आई तो ये हुआ कि एक तहरीर चली जाए। ये तहरीर भी आखिर मेरे कलम से निकली हुई एक तहरीर, एक मेरा मज़हर है, एक मेरा रेफरेंस है, एक मेरे ताल्लुक से एक हवाला है, बस ये तहरीर वहाँ पहुँच गई और काम हो गया। तवज्जो है, जहां दो जबात में ये रिश्ता हो वहां कहीं नाम जबान से ले लेना काफी होता है, कहीं लिखी हुई तहरीर काफी होती है, कहीं आवाज काफी होती है। अब कहीं और है, उन्होंने कहा भाई खत की जरूरत नहीं है, खत लिखने की जहमत ना देना मौलाना को, बस कहना टेलीफोन पे हमसे बात कर लेंगे काफी है। ये सब जिंदगी की मिसालें हैं ना, कहीं नाम ले लिया काम हल हो गया, कहीं आवाज पहुंचा दी काम हो गया, कहीं तहरीर पहुंचा दी काम हो गया। तवज्जो है, तवज्जो है, ये सब क्या हो रहा है। यानी मुझे ख्याल आता है एक वो तफसीली वाकया है, लेकिन उस वाकये को बयान करने का मौका नहीं है। एक अहम मसला था, एक शख्स ने किसी शख्स से कहा कि आपको खुद तशरीफ लाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा मियाँ मेरा आना तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये जिंदगी में मामला ऐसे, मियाँ मेरा आना तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा, मुझे चाहते हो कि मैं वहाँ आऊँ हैं। और फरमाया आपने, ये जिंदगी के मामला हैं, दुनिया के मामला हैं, सिर्फ तकरीब जहन के लिए, तकरीब जहन के लिए, ताकि बात आपके जहनों में रासिख हो जाए कि कुरान मजीद इंसानों को ख़िताब कर रहा है, मुसलमानों को ख़िताब कर रहा है, अहले ईमान को ख़िताब कर रहा है, और कह रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी हस्ती, तुम्हारा अंजाम कार, तुम्हारा आगाज़ व अंजाम सब कुछ, और तुम्हारा सफ़र ज़िंदगी, सैर ज़िंदगी सब कुछ मुतअल्लिक है उस रब्त पर जो तुम्हारा रब्त मज़हर ज़ात हक से कायम हो जाए, न ज़ात हक से, मज़हर ज़ात हक से, मज़हर ज़ात हक से रब्त कायम हो जाना गोया खुद ज़ात हक से रब्त कायम हो जाना। इस्मुल्लाह से रब्त गोया अल्लाह से रब्त है, मगर है तो इस्मुल्लाह से, है तो इस्मुल्लाह से, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से रब्त कायम हो गया, यानी अल्लाह से रब्त कायम। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वसलाम से रब्त कायम हो गया, यानी मुहम्मद से रब्त कायम हो गया, यानी अल्लाह से रब्त कायम हो गया। तवज्जो है, इसलिए इस्म भी दरमियान में है और बा भी दरमियान में है, पहले बा है, फिर इस्म है, फिर अल्लाह है। आज हम गुफ्तगू यहीं पर रोकते हैं, परवरदिगार हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए कि हम कम से कम मानिए बिस्मिल्लाह को अपनी ज़िंदगी में मुनकशिफ कर सकें, मानिए बिस्मिल्लाह को, इस बिस्मिल्लाह की तजल्ली को हम अपने कल्ब में, अपने जहन में, अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सकें, दर्क कर सकें, दरियाफ्त कर सकें, और हमारा रब्त मुस्तहकम हो जाए ज़ात हक़ सुबहानहु व तआला के साथ, मज़ाहिर हक़ सुबहानहु व तआला के साथ, और उस मज़हर अकमल व अतम के साथ के जो इस वक्त पर्दा गैब में है। परवरदिगार हमें उनके खुद्दाम में शुमार फरमा और उनके फैज़ान से मुस्तफीद फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म कुन लिवलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुक अलैहि व अला आबाइ फी हाज़िहिस साअति व फी कुल्लि साअ वलीयन व हाफिज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ईना हत्ता तुस्कनहु अर्ज़ुक तौअ व तुमत्तिअहु फीहा तवीला برحمتك يا أرحم الراحمين.